बीते 15 मार्च को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक के बाहर एक डॉक्टर के कैशियर अजय गर्ग से टप्पेबाजों ने टप्पेबाजी कर 3,32,000 रुपए लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने टप्पेबाजी का शिकार हुए अजय गर्ग से तहरीर लेकर मुकदमा कायम कर इनको पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमों का गठन किया। टप्पेबाज सेंट्रो कार से मुरादाबाद आए थे। 250 से 300 सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को इनकी सेंट्रो कार का नंबर मिला। सेंट्रो कार का नंबर दिल्ली का था। जब पुलिस की 2 टीम दिल्ली पहुंची तो जानकारी मिली कि फिर से मुरादाबाद में किसी घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं, जहां मुरादाबाद पुलिस ने चारों टप्पेबाजों प्रवीण, राहुल, रवि और धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ने दी जानकारी। 15 मार्च को एक घटना हुई थी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में। कुछ टप्पेबाजों ने अजय गर्ग नामक व्यक्ति, जो कि एक अल्टीमेट पैथोलॉजी और अन्य डॉक्टरों के पैसे लेकर के जमा करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे बैंक में, तो टप्पेबाज वहाँ पहले से खड़े थे। इन्होंने उनको बहला फुसला करके उनके पास से 3,33,000 रुपये जो है ठगी कर लिए और 420 के माध्यम से पैसे को लेकर के चले गए। उन्होंने उनके हाथ में कुछ फर्जी कागज पकड़ा दिए थे जिसको नोट समझ रहे थे, और इस घटना के अनावरण के लिए जो है तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए 4 टीमों का गठन किया गया और जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे सब कंगारे गए। कम से कम 250 से 300 सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें एक सेंट्रो कार दिखाई पड़ी जिसमें 4 लोग बैठ के जाते हुए दिखे, और बहुत ही टेक्नोलॉजी के द्वारा इस फुटेज से उसके सेंट्रो कार नंबर निकाला गया। सेंट्रो के नंबर से जो है इनकी पहचान की गई, तो गाड़ी दिल्ली की मिली और इसके बाद से 2 टीमें दिल्ली रवाना की गई देखते हुए, तो फिर वो दिल्ली में नहीं मिले, पता लगा वो फिर मुरादाबाद में घूम रहे हैं। और फिर आज एक घटना करने के फिराक में थे तो हमारे थाने की पुलिस और एसओजी ने बहुत सराहनीय कार्य करते हुए इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 2,91,000 के आसपास रुपये बरामद किए। उस दिन के धोखाधड़ी वाले जो हैं, इसके अलावा एक सेंट्रो कार, पेपर कटर, 4 मोबाइल फ़ोन, टैप, 4 किताबें जिससे फर्जी नोट बनाते हैं। ये 4 अपराधी जो अस्थायी तौर पर दिल्ली में रहते हैं, कुछ इसमें 2 दिल्ली के रहने वाले हैं और एक इसमें एटा के रहने वाला है। इनके नाम प्रवीण, राहुल, रवि और धर्मेंद्र हैं। प्रवीण जो है इसका वो मेन मास्टरमाइंड है जो ये पूरे गैंग को चलाता है, और ये घटनाएं ये लोग जिले में अलग अलग जगहों पर करने का प्रयास उस दिन भी किए थे लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। इसके अलावा इन्होंने एक घटना जो है छिबरा मऊ में घटित की थी 20,000 रुपये की। तो किस तरीके से ये टप्पेबाजी घटना को अंजाम देते हैं? एक ग्राहक को बहकाते हैं कि कुछ पैसा जमा करना है और ग्राहक से बोलते हैं कि मेरा पैसा, मेरा अकाउंट नहीं, आप अपने अकाउंट के माध्यम से जमा कर दीजिए, हम आपको कुछ खर्चा दे देंगे। और जिसमें जो है जो पैसा जमा करने वाला होता है वो इनका पैसा जो फर्जी नोट होती है उसको लेकर के जमा करने जाता है, तो उसके बदले मांगते हैं कि भाई तुम जा रहे हो पैसा जमा करने उस तक तुम मेरा पैसा खा जाओ, तो कुछ पैसा मुझे दे के जाओ। तो उसमें वो 2,000, 5,000, 10,000 रुपये ऐसे इनको दे देता है। इस केस में क्या हुआ कि इसने पूरा अपना पैसा, चूँकि इसको दया बताया कि 4,00,000 रुपये जमा करने हैं, तो इसके पास 3,32,000 था, इसने पूरा रुपया जो है उसको दे दिए, ये जानते हुए, ये न जानते हुए कि जो है पैसा है ये लोग फर्जी तरीके से उनको दिया हुआ है, कागज लिपके दिया हुआ है। सर, ये फर्जी क्या नकली नोट थे? नकली नोट नहीं होते, इसमें एक नोट असली होता है, बाकी पेपर होता है, कागज होता है, हम आपको दिखाएंगे, तो कागज होता है बस मोटा होता है कागज, कॉपी से वो कॉपियों से नोट के साइज का काट लेते हैं जिसको ये लोगों के जो है दिखा करके भरमाते हैं, उसको एक रैप करते टेप लगा करके उसको रुमाल में लगा करके देते हैं, और आदमी जो है रोड पे होता तो उसको देखना की कोशिश भी नहीं करता है, वो सोचता है कि ले करके इससे जल्दी जल्दी चला जाए। जिसके साथ डीलिंग हुई उससे क्या बातचीत हुई थी? बैंक के अंदर की ठगी है? हाँ, एक बैंक के अंदर एक व्यक्ति पहले से खड़ा था, इनका दूसरा व्यक्ति जाता बोलता है पैसे जमा करना है, बोला कितना पैसे जमा करना है, तो बोलता है कि भाई मुझे 4,00,000 रुपये जमा करना है, बोला 4,00,000 रुपये कैसे जमा नहीं होंगे, अकाउंट में होंगे, तो बोलता है मेरे पास अकाउंट नहीं, तुम जमा करो तुमको हम कुछ खर्चा दे देंगे। तो जो बाहर वाला जो अजय गर्ग वहाँ पर खड़ा होता है तो दूसरा व्यक्ति उससे बात करता है कि चलो हम इसका पैसा जमा करवा देते हैं, इससे कुछ खर्च ले लेंगे। इसके करते हुए अजय गर्ग को बाहर लेके जाते हैं तीनों, फिर बोलते हैं कि ये तुम पैसा इसका जमा कर दो, इसको पर्ची ला के दे दो, बाकी पैसा वापस बांट लेंगे। इस माध्यम से इसको बाहर लेके जाते हैं बैंक के बाहर, वहाँ इसको जो है लालच दे करके पैसे ले लेते हैं। क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है इन लोगों की और क्या? ये सब सामान्य पढ़े लिखे हैं, कोई हाई स्कूल है, कोई इंटर है, ऐसे सामान्य पढ़े लिखे हैं, और कोई बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं, लेकिन एक ठगी के माहिर हैं। इन लोगों की लालच का फ़ायदा उठाते हैं। जब आदमी पैसा लेकर के बैंक की तरफ जा रहा होता है इनका फर्जी नोट, तो उसको बुला करके पूछते हैं, हेलो बोलते हैं, तो वो उस पर रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है? अगर वो रुक गया
इनकी तरफ आने लगा तो लगता कि कम लालची है। अगर वो नहीं जल्दी जल्दी जा रहा बैंक की तरफ तो इनको लगता है कि आदमी में लालच ज़्यादा है, अभी पैसा खोल के नहीं देखेगा। इस तरह से जो है सर दिल्ली से मुरादाबाद पहुंचना, क्या इन्होंने रेकी की थी यहाँ पे भी कोई नहीं? ये इनका एक काम है, दिल्ली में बहुत सारी घटनाएं की हैं, इसमें कुछ के खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, वो हम डिटेल निकलवा रहे हैं। ये उत्तराखंड जा रहे थे और रास्ते में जो भी शहर पड़ता है उसमें अपना टारगेट करते हैं, दो तीन घटनाएं कर लें, अपना 5,000 10,000 20,000 मिल जाए तो अपना जो है कोई शामिल नहीं है मुरादाबाद में कोई शामिल नहीं।